नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। मोदी कैबिनेट ने कर्मयोगी योजना को दी मंजूरी, साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल भी पास। रिया चक्रवर्ती से ताबड़तोड़ पूछताछ के बाद अब रिया के पिता से पूछताछ। सुशांत की कंपनियों को लेकर पूछे गए सवाल, सिद्धार्थ पिठानी से भी CBI ने की पूछताछ। ITBP के जवानों ने मानवता की पेश की मिसाल। 8 घंटे तक पैदल चलकर एक शव को परिजनों तक पहुंचाए। 8 घंटे में जवानों ने 25 किलोमीटर की दूरी की तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक के दौरान कई अहम विषयों पर विचार मंथन किया गया और कई बड़े फैसले भी लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले की जानकारी दी है और ये भी बताया है कि सरकार ने कर्मयोगी योजना पर मुहर लगा दी है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई विषयों पर मंथन किया गया, साथ ही बड़े फैसले भी लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाया गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्मयोगी योजना को मंजूरी भी दी है, जिसके तहत अधिकारियों के स्किल को बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने का फैसला हुआ है, जिसमें हिंदू, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, अंग्रेजी भाषा शामिल रहेंगी। इसके साथ ही 3 नए MOU को मंजूरी दी गई है, जिनमें जापान वस्त्र मंत्रालय के बीच हुआ समझौता भी शामिल है। इसके लिए क्षमता वर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन का सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। एक दूसरे निर्णय के तहत जम्मू कश्मीर के लिए एक राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ और उसमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेगी। इसकी ये लोगों की मांग पर इसका निर्माण हुआ है। 3 MOUs को भी मान्यता दी गई। जापान के साथ वस्त्रालय मंत्रालय का एक गठबंधन ये हुआ, MOU हुआ क्वालिटी इवैल्यूएशन के लिए। खनन मंत्री मंत्रालय का फिनलैंड के साथ एक समझौता हुआ है और नवीनी ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री का डेनमार्क के साथ एक समझौता हुआ है, वो भी समझौते देश के लिए महत्वपूर्ण है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से आज CBI ने पूछताछ की है। इसी के साथ सिद्धार्थ के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी भी DRDO गेस्ट हाउस पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई से पूछताछ के बाद अब रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती बुधवार को CBI की विशेष जाँच टीम के सामने पेश हुए। इंद्रजीत के अलावा सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी भी CBI के पूछताछ के लिए पहुंचे। सूत्रों के अनुसार इंद्रजीत और पिठानी अलग अलग DRDO गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां CBI की SIT टीम दिल्ली के आने के बाद 30 अगस्त से रह रही है। बताया जा रहा है कि इंद्रजीत से सुशांत के साथ उनकी बेटी के फाइनेंशियल संबंध के बारे में पूछताछ की जाएगी। वहीं CBI इससे पहले सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया से उसके भाई शौविक के साथ लगातार 4 दिनों में 34 घंटे तक की पूछताछ कर चुकी है। 30 अगस्त से CBI की टीम 3 बार बांद्रा में सुशांत के फ्लैट का दौरा भी कर चुकी है और जांच के लिए कूपर अस्पताल और वाटरसन रिजॉर्ट का भी 2 बार दौरा कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV। ITBP के जवान न सिर्फ बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करते हैं, लेकिन उन सब लोगों की मदद करते हैं जिनको उनकी जरूरत पड़ती है। एक ऐसा ही मामला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सामने आया है। ITBP के जवानों ने एक व्यक्ति का शव कंधे पर उठाकर 25 किलोमीटर का सफर तय किया और उनके परिवार तक उनका शव पहुंचाया। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो देश में जवान हर मुश्किल में देश का साथ देते रहे हैं, लेकिन जब किसी इंसान को भी जरूरत होती है तो वो पीछे नहीं हटते। अब ITBP के जवानों ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फिर से मानवता की मिसाल पेश की है।
डाहिमवीर एक स्थानीय निवासी का शव कंधे पर रखकर लगातार 8 घंटे तक चले और उसे मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। अब इस घटना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। लोग जवानों की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। आईटीबीपी के जवानों ने करीब 25 किलोमीटर की दूरी तय कर शव को पिथौरागढ़ जिले के सुदूर इलाके के पास मुनस्यारी के सोनी गांव में पहुंचाया है। जवानों ने 30 अगस्त को ही परिजनों को शव सौंप दिया था। कहा जा रहा है कि पत्थर की चपेट में आने की वजह से इस व्यक्ति की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, INSTV। जागो पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुग्रंथ साहिब के सैकड़ों स्वरूपों की दस्ती एंट्री दिखाकर गायब करने के मामले को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। देखें रिपोर्ट। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा श्री गुरुग्रंथ साहिब के सैकड़ों स्वरूपों की दस्ती एंट्री दिखाकर गायब करने के मामले में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल की चुप्पी के खिलाफ जागो पार्टी बुधवार को दिल्ली निवास पर शांतिपूर्ण रोष प्रदर्शन किया। जागो पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में संगत जपू जी साहिब का पाठ करने के बाद सरदार सुखबीर सिंह बादल की जमीर जागने और गायब या नष्ट हुए स्वरूपों के लिए पश्चाताप की अरदास किया। वहीं इस मामले में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल चुप्पी साधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INSTV। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है क्योंकि चांदनी चौक का रूप अब बदलने वाला है। चांदनी चौक की तंग गलियों में जब लोग शॉपिंग करने जाते थे तो तंग आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और अब लोगों को वहां पर गाड़ियों का शोर भी नहीं सुनाई देगा। देखें ये पूरी रिपोर्ट। चांदनी चौक अब पूरी तरह से बदलने वाला है। शॉपिंग करने वाले लोगों को यहाँ की तंग गलियों में धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। वे सुकून से शॉपिंग कर सकेंगे। पहले की तरह अब आपको गाड़ियों के शोर सुनाई नहीं देंगे। साथ ही सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक नॉन मोटराइज व्हीकल एरिया रहेगा। चांदनी चौक पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण योजना के पूरे होने के बाद यहाँ की ऐतिहासिक शोभा वापस आएगी। हालांकि लॉकडाउन से पहले यहां रोजाना करीब 7 लाख लोगों का आवागमन होता था। इस बाजार में दूर दराज से लोग घूमने आते हैं। हालांकि लॉकडाउन के बाद यहां के बाजार पर काफी प्रभाव पड़ा है। पहले जहां चांदनी चौक पर आपको जगह जगह बिजली के तार और टूटी हुई पाइपलाइन दिखाई पड़ती थी, वो अब दिखाई नहीं देगी। लोगों को सिर्फ अब एक सुंदर सी लाल सड़क दिखाई पड़ेगी। सड़कों पर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं जो इन सड़कों की शोभा बढ़ा रहे हैं। INSTV के लिए मोहम्मद शोएब की रिपोर्ट। आप सभी को तो पता ही है कि कोरोना का कहर देश में बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना 70,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो अब क्या बड़े, क्या बूढ़े और क्या जवान, किसी को भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज हम आपको INSTV के कैमरे की नजर से दिखाएंगे। देखिए, भारत में कोरोना ने बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुतों की जान ली, चाहे वे कलाकार हो, छोटा या बड़ा, या नेता अभिनेता या देश का हो राष्ट्रपति, किसी को नहीं बख्शा। भलाई तो इसी में है कि अपनी सुरक्षा भी रखें और दूसरे की भी। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।